हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टूडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के रिजल्ट को लेके। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है, ये वीडियो स्पेशली जो बिहार के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी ट्वेल्थ का एग्जाम दिया था, इंटरमीडिएट HSC का, ट्वेल्थ का बोर्ड का एग्जाम दिया हुआ था बिहार बोर्ड से, तो उन लोगों का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो में आगे पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि आप किस तरह से रिजल्ट चेक कर सकते हैं, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट जाके आप डायरेक्टली अपना रिजल्ट ऑफिशियली चेक कर सकते हैं। नॉर्मली होता ये कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि किस तरह से जो है अपना रिजल्ट चेक करना है, और वो कोई भी लिंक पे जाते, कोई भी वेबसाइट में जाते, पर वो रिजल्ट अपना बरोबर चेक नहीं कर पाते। तो आप लोगों के लिए ऐसा ना, इसलिए हम आपको जो आगे वीडियो में जो है पूरी तरह से बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह रिजल्ट चेक करना है, तो आगे वीडियो में बने रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही बिहार बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हो हमने आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया, नोटिफाई कर दिया। उसी तरह से अगर बिहार बोर्ड को लेकर और भी किसी भी बिहार के एग्जाम्स के रिलेटेड कोई भी न्यूज या कोई भी अपडेट आती है तो तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको जो है अपडेट कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं बिहार का जो HSC का जो ट्वेल्थ का एग्जाम हुआ, इंटरमीडिएट का, उसका रिजल्ट किस तरह चेक करना है उसका बारे में जानना। तो सबसे उस डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है आपको उस पर क्लिक करना है, वो लिंक कुछ इस तरह से रहेगी, intern.inter.onlinebsev.in। उस लिंक पे आपको जाके सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ये बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट का रिजल्ट चेक करने का पेज है। आपको सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट 2020। तो जो आपने अभी एग्जाम दिया था ट्वेल्थ का, उसका बहुत ही प्रॉब्लम चालू, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कोरोना चल रहा था, उस वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। फिर भी बहुत प्रॉब्लम फेस करने के बाद जो है आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर करने का जो निर्णय है वो लिया गया है। तो आप लोग यहाँ से अपना जो है रिजल्ट बिना किसी परेशानी के डायरेक्टली जो है चेकआउट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली आपको जो है आपके रोल नंबर का कोड था वो कोड डालना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना जो है अपना रोल नंबर जो है वो यहाँ पे आप लोगों को डालना होगा, जो भी आप लोगों का रोल नंबर आपके हॉल टिकट एडमिट कार्ड पे दिया था वो रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको जो है कैप्चा भरना होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 11+5, तो 11+5 कितना होता है 16 होता है, तो आपको सिंपली यहाँ पे जो है 16 लिख देना है। उसके बाद जो है वी पे क्लिक कर देना, तो वी पे क्लिक करते ही आपके सामने जो आपका रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने रोल नंबर और जो कोड नंबर है वो सही नहीं डाला, इसलिए जो मेरा रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया नो डाटा फाउंड, क्योंकि मैंने जो गलत डाटा, गलत रोल नंबर, गलत कोड डाला है। तो आप लोग यहाँ पे अपना कोड और अपना रोल नंबर डालिए, आपका जो है इंफॉर्मेशन, आपका जो रिजल्ट आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर आपको रिजल्ट के रिलेटेड भी कुछ डाउट है कि आप पास हो, फेल, आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए, और भी कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है रिजल्ट को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं जरूर आपका जो डाउट है वो कोशिश क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक।